ये बोल रहे हैं क्योंकि कि वोटर कहता है मेरा वोट क्यों खराब जाएगा। यूपी का आप एग्जिट पोल बता रहे हैं, यूपी के पहले तीन चरण का एग्जिट पोल क्या कह रहा है 26 सीटों को लेकर, वो अब आपको बताएंगे। तो 26 सीटों का मेगा एग्जिट पोल और यहां पर एनडीए को 22 से 25 सीटों का अनुमान। पहले तीन चरण में इंडिया को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, यह अनुमान न्यूज 18 का यह मेगा एग्जिट पोल है। और पहले तीन चरण 80 सीटें, 80 में से 26 सीटों का यह अनुमान है। और यूपी के पहले तीन चरण का यह एग्जिट पोल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 26 सीटों का जो मेगा एग्जिट पोल हुआ है, जो आकलन निकलकर सामने आया है, जो लोगों की राय निकलकर सामने आई, एनडी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं। 26 सीटों पर हुआ 22 से 25 और इंडिया को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल बता रहा है यूपी के लिए पहले तीन चरण का एग्जिट पोल, क्योंकि 7 चरणों में देश में चुनाव हुए और 7 चरणों में ही यूपी की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। और बिहार से भी आ रही है खबर, बिहार से भी आ रही है न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल जो है, इसमें बिहार की तस्वीर क्या बोल रही है। बिहार के भी पहले तीन चरण का ये एग्जिट पोल अभी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी आज वोटिंग थी। बिहार की 14 सीटें जो हैं, इसका मेगा एग्जिट पोल, बिहार का मूड क्या है, जनता ने क्या माना है, अनुमान क्या है। एनडीए को यहां पर 10 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए 16 में से 10 से 13 सीटें और इंडिया को 3 से 6 सीटें यहां पर भी मिल सकती हैं। पहले तीन चरण का यह अनुमान, यूपी का भी आपने देख लिया, बिहार में 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, बिहार में 39-1 का स्कोर कार्ड था पुनीत पिछली बार, बिल्कुल है ना बिल्कुल। और इस बार अगर ये 14 सीटों के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को अगर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर एनडीए 10-13 पर। और अब बंगाल की बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल के पहले तीन चरण का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। बिल्कुल, हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि बंगाल से क्या खबर आएगी, बंगाल से बताइए खबर। अच्छी वोटिंग रही है इस बार यहाँ पर, एनडीए को 6 से 9 सीटों का अनुमान पश्चिम बंगाल में। इंडिया का खाता नहीं खुलेगा, याद होगा आपको देश में 7 है, बंगाल में लड़ाई अलग लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर इंडिया को कुछ 0 बताया जा रहा है। बंगाल की 10 सीटों का मेगा एग्जिट पोल और बंगाल ने चौंकाया है। वोटिंग अगर पिछली बार का भी देखें वोटिंग परसेंटेज, तो बंगाल के लोग अच्छी वोटिंग करते हैं और इस बार भी बंगाल ने बहुत जमकर वोटिंग की है, खूब बाहर निकलकर खूब जमकर जोरदार वोटिंग देखने को मिली। लेकिन बंगाल में इंडिया का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया गठबंधन बाहर से समर्थन करेंगे बोल दिया ममता बनर्जी ने। तो पश्चिम बंगाल के पहले तीन चरण जो हैं उसका एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, 10 सीटों का यह मेगा एग्जिट पोल और यहां पर